हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मेरे सामने यहाँ पे एक ओईडी का कैन वाला आईपॉड रखा हुआ है। इसमें समस्या है कि इसमें आवाज़ फट रही है। कस्टमर ने ये नकारा था कि गिर गया था और ये मैंने एक बार फेंक के मार दिया था, तो इसमें जब से आवाज़ फटी हुई आने लगी है। हम देखेंगे इसमें समस्या क्या है, तो हम इसमें देख लेते हैं। इसमें सिर्फ अभी दो ही पेच हमें दिख रहे हैं और बाकी हमें कहीं भी पेच नहीं दिख रहे। मैं आपको बताऊंगा इसमें कहाँ पे पेच हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे तभी अच्छे समझ में आएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपको इसको सब कुछ बताने वाला हूँ फुल डिटेल में, कैसे ठीक करना है कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम यही दो पेज खोल लेंगे, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया करेंगे। एक लाइन है छोटे पेज का, से हम इसको दोनों पेज को खोल लेंगे अच्छे से। जब हमारे दोनों पेज खुल जाएं, तो हम इसे ऊपर की एक रबड़ इनमें जो इधर बटन होते हैं और नीचे की तरफ भी एक रबड़ होती है, तो हम इसको उतारेंगे। ये तो हमारे खुल गया, इस रबड़ को उतारेंगे। बाकी ये सब उसी से ही खुलेगा सारा प्रोसेसर, क्योंकि मैंने पहले भी कई बहुत बार खोल चुका हूँ। अब भी पहली बार खोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मतलब देख रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये रबड़ तारनी है हमें। कैसे तारनी है? एक तरफ ऐसे नखून से उतार सकते हैं या फिर किसी पेचकस की सहायता से, मतलब स्क्रू ड्राइवर ले लो या चिमटी ले लो, ऐसे देना है और इसको ऐसे करते रहना है, मतलब ऐसे ऊपर को उठा देना है। तो देख लेंगे, हम आपको दिखा दूँ। ये चिपक, इसमें चिपकन होती है, इसको एक तरफ रख दो पहले मैं। देखिए इसमें छोटे छोटे चार होल दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो है ना पेचकस पेच लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो मैं यहाँ से पेच को खोलूँगा, देख लीजिए आपको दिख रहे होंगे। इसमें कुछ चार डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर चार स्क्रू हैं, इनको अच्छे से खोल लेना है और इसमें कार्ड ये रिमूव हो जाएगा हमारा। तो मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ बाकायदा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ही बने रहना है, क्योंकि मैं इसमें एक एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर समझाऊंगा। क्योंकि आप वीडियो को स्किप यहीं पे करके या काट पीट के देखेंगे, आप कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कमेंट में कोई सवाल ही ना पूछ पाए, इतना मैं सारा क्लियर करके चलूँ। मेरी वीडियो लंबी इसलिए होती है, मैं एक एक चीज़ क्लियर करके चलता हूँ, वीडियो नहीं काटता। देखिए इसमें नीचे की तरफ दो स्पीकर के लगे हैं, इसमें सिर्फ दो स्पीकर हैं मेरा इसमें मेरा मानना है। और ये ऊपर जो है बैटरी के हैं, स्पीकर के आप कैसे भी लगा सकते हैं, बैटरी के भी कैसे लगा हैं, क्योंकि ये जिक है। तो ये हमारा मेन कार्ड है, इसको एक तरफ रख देंगे। तो देखिए जो ये जिक लगे हैं, अब हमें कपड़ा कैसे करना है। ये कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इनको खोलना है। पहले तो हम पीछे से खोल लेंगे ये रबड़ जो तारनी है, ठीक है। ये रबड़ को भी ऐसे ही खोल लेंगे जैसे हमने आगे की वाली रबड़ तारी थी इसकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। धीरे से खोलेंगे, अच्छे से खोल लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि फट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इसमें तय के तीन पेज लगे हैं, इन तीनों पेजों को भी आराम से खोल लेंगे ऐसे ही जैसे हमने वे खोले थे। ये प्लस वाले स्क्रू होते हैं, मतलब हम मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटा लाइनर ले टपारिया का, ये दोनों तरफ से होता है, क्योंकि आप बड़ा पेचकस में यूज़ नहीं कर सकते। इसमें होल ही छोटे हैं और पेच भी छोटे हैं। इसके पेज संगवा के रखने हैं आपको, कोई पेज मिस नहीं करना, पेज सारे सेम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए मैं पीछे का कवर भी उतारा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वैसी डिज़ाइन लगा हुआ है जिससे कि ऊपर से ढक जाए। तो हमें करना क्या है, ये जो कपड़ा है इसको सीधा करना है। ये एक रबड़ थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, रबड़ टाइप का है, तो हम इसको सीधा करेंगे और इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, मतलब से नीचे की तरफ खिसकाएंगे हल्का हल्का ऐसे ही। हमें ऐसे लिया, ये चिपका नहीं है, बेफिक्र है, ये चिपका हुआ नहीं है, आप बाद में हल्का हल्का चिपका सकते। देखिए इस तरह से ले आएंगे इसको, देखिए इस तरह से खींच लेंगे और ये आराम से आ जाएगा। ये अंदर थोड़ा चिपका है, इसको ऐसे ही हम बाद में चिपका लेंगे। तो देख लीजिए फटा भी नहीं है और ये बहुत आसानी से उतर गया है, ठीक है। ये हम इसको एक तरफ रख देंगे और हम देखेंगे इसमें भी कुछ पेज लगे हैं, चार इधर चार उधर, आठ पेज लगे हैं देखिए इसमें। और हमें इसमें तीन स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, क्या इसमें रियल में तीन स्पीकर हैं? हम इसको खोल के देखते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें तीन स्पीकर हो। एक तो डिज़ाइन नीड होता है, देखिए इसमें चार इधर और चार ये इधर लगे हुए हैं, छोटे छोटे होल दिखा दे रहे हैं। तो हम इन पेचों को भी खोल लेंगे आराम से, चारों को, चार इधर इन्हें बहुत अच्छे से खोल लेने हैं। तो ये हमारे इसके दो पीस हो जाएंगे, ये गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये दो खुल जाएंगे अपने आप। इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हमारी एक बैटरी भी पाई जाएगी, क्योंकि इसमें बैटरी की वायर आ रही है। बैटरी हम देखेंगे कौन से, जब मैंने अभी तक ज़्यादातर देखा है इनमें लिथियम आयन वाली होती है,
किसी में 2000 mAh की, किसी में 1200 mAh की, तो किसी में 1800 mAh की। तो किस अभी तक मैंने इसमें 2000 जिसका ये कायदे में बताऊँ तो 1500 mAh की मैंने देखी नहीं अभी, पर इसमें किसी किसी में होती है बोलते हैं बहुत से, क्योंकि अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें 2000 mAh की लगा सकते हैं, बैकअप बढ़ जाएगा। अगर आपको बैकअप बढ़ाना है 2000 mAh की एक ही लगा दो, दो मत लगाओ 1200 की, क्योंकि इसमें आएगी नहीं साइज इतना नहीं। आप साइज का 8 फीट के लगाओगे तो फिर इसकी बेस फटेगी। इसमें जैसे 1200 mAh की लगी है तो इसमें आप 2000 या 2200 mAh की लगा दो, वो डबल से ही हो जाएगी। एक बार को हम देखें तो डबल से ही हो जाएगी, और पावर आपका बैकअप भी अच्छा रहेगा और आपका साउंड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके एम्पेयर भी बढ़ जाएंगे फिर बैटरी के, जितने एम्पेयर अच्छे होंगे वो काम वर्क अच्छा करेगी। तो देखिए मैंने खोल दिया है दोस्तों। मैं अपनी चैनल पे सबसे मेन बात है मैं कोई फेक वीडियो नहीं डालता और क्लियर करके आपको समझाता हूँ। देखिए ये तो इसमें कोई स्पीकर नहीं है, और इसमें एक बीच में बैटरी लगी है लिथियम आयन की, आप देख पा रहे होंगे सेल टाइप की है, आप आपकी भाषा में या कोई भी किसी भाषा में सेल भी बोलते हैं इसको। तो देखिए स्पीकर ये अड़ रहा है, और ये थोड़ा आपको देख रहा होगा थोड़ा सा इसका जो पेपर की साइड किनारी है वो थोड़ी तिरछी भी हो रही है। देखिए थोड़ा ये भी अड़ रहा है पर चल रहा है। ये हमारी बैटरी लगी है इसमें लिथियम आयन की, तो देखते हैं कितने एमएच की है। तो देख लीजिए स्पीकर की कंडीशन कितनी बैड हो रही है, क्योंकि जो साइड से देखिए गोला सही बनना है, इसके ऊपर जो रिंग लगा हुआ है वो थोड़ा सा साइड से मुड़ा हुआ है, मतलब ये स्पीकर मुड़ चुका है अच्छी तरह से कहीं ना कहीं से। तो इसमें ये कंपोनेंट लगे हैं मैंने आपको दिखा दिया है, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए स्पीकर कितना मुड़ रहा है एक तरफ से, ये इधर की तरफ। अगर हम इसको सीधा करके लगाते हैं तो ये चल सकता है, नहीं तो आप स्पीकर भी एक्सचेंज कर सकते हैं, नया स्पीकर लगा सकते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हमें किसी प्लास या नो प्लास की सहायता से हम सीधा कर सकते हैं जब तक रिंग सीधा ना आए। देख लीजिए यहाँ से ये सेट नहीं है, देख लीजिए ये अड़ रहा है स्पीकर काफ़ी, देख कितना जाम हो रहा है, ये वाला अड़ रहा है, मतलब जब तक इसकी कॉइल अड़ेगी और हमारा पेपर गलत डायरेक्शन में मुड़ा होगा तो इसकी आवाज़ सीधी सी फटेगी, यह अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। जब तक पेपर सीधा नहीं होगा और कॉइल बिल्कुल बिना अड़े चलेगी स्पीकर में, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब बिना अड़े स्पीकर में कॉइल चलेगी तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगा। देखिए अब मैं दिखा दूँ आपको सीधा करके थोड़ा इससे, देखिए अब थोड़ा पुशअप नीचे हो रहा है अप डाउन, क्योंकि जब इसमें वाइब्रेशन वगैरह गाना बजता है या कोई भी साउंड आता है तो ये अप डाउन करता है स्पीकर, ये हम ये सब ऑफर में है। तो देख लीजिए ये पिन है, मैं इसको भी सीधा कर देता हूँ, काफ़ी ये मुड़ा हुआ है, मतलब ये काफ़ी ज़ोर से फेंक के मारा गया है। तो स्पीकर हमें सीधा कर लेना जितना आपको हो सकता है, क्योंकि देखिए ख़राब तो है ही, कोशिश करना ठीक करने की। देखिए अब लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुका है, क्योंकि आपको लग रहा है ख़राब तो है ही, करके देख लो, वरना आप नया डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे एक्सपीरियंस है मैं कर सकता हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं मित्र। देख लीजिए पुशअप अब ये सही कर रहा है, ये चल सकता है अब, ये बिल्कुल रेडी हो गया स्पीकर। हम दूसरे वाले को देख लेंगे, ये दूसरा वाला भी इतना सारा मुड़ा है, हम इसको भी सीधा कर लेंगे, क्योंकि जब तक पेपर में खिंचाव बना रहेगा और कोयल अड़ेगी जब तक हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, ये आपको समझ लेना है। और हमारी आवाज़ तभी क्लियर होगी जब तक स्पीकर की कोयल नहीं अड़ेगी कहीं पर भी। तो मैंने यहाँ फ्लैश लाइट जलाई इसकी, जो आपको अच्छे से और भी क्लियर चमक जाए। दोस्तों मैं अपनी दुकान में ही ये वर्क करता हूँ सभी वर्क। तो देख लीजिए इसका जो छज्जा है ये मुड़ा हुआ था, मैंने हल्का सा सीधा किया तो देखिए रिंग भी कितना सीधा होने लगा है, पहले मुड़ा मुड़ा सा हो रहा था। सॉरी दोस्तों अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो देख लीजिए अब ये पुशअप सही कर रहे हैं, मतलब ये वर्कअप सही कर सकता है, मेरा अनुमान है कि सही करेगा। अगर आपको फिर भी नहीं लगे तो आप स्पीकर बेफिक्र होकर चेंज कर सकते हैं, पर ये आप वर्क सही करेगा, क्योंकि स्पीकर इसके मुड़े हुए थे रिंग, ये इसके रिंग मुड़ रहे थे इस वजह से ये आवाज़ फट रही थी। मैंने आपको दिखा, देखिए कितना स्पीकर ये फेंक के मारा गया है, मतलब ये आईपॉड इसकी वजह से ये ख़राब हुआ है। आप इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, मैं आपको अभी इसमें और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीडियो में। तो देख लीजिए कितना अच्छा सा मुझे अब लग रहा है कि ये पुशअप सही कर रहा है। आपको यही चीज़ देख लेनी है स्पीकर में, मतलब ऊपर कैप पे हल्की सी उंगली लगा के अप डाउन करना, अगर आपको घसर घसर की आवाज़ आ रही हो, मतलब आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोयल कोई कुछ अड़ रहा है, तो आप फिर सीधा करो, मतलब कोशिश करो ठीक करने की।
ना होता है तो चेंज कर दो इस पर, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लग रहा है सेटिस्फाई हूँ मैं दोनों तरफ से, ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो मैं दोनों स्पीकर को ऐसे ऐसे ही लगा दूंगा। तो पहले मैं देखूँगा इसमें कितने एमएच की बैटरी है। देखिए इसमें 1200 एमएच की लगी है 3.7 वोल्ट। आप इसमें 2000 एमएच की भी लगा सकते हैं बैकअप बढ़ाने के लिए। तो आपको दिखा दूँ जरा, देखिए ऐसे ही मेरे पास 2000 एमएच की रखी हुई है। आप देख सकते हैं मेरी जो उठाई है उस पर 2000 एमएच लिखा है साफ साफ। तो आप ऐसे ही बैकअप बढ़ाने के लिए, आप इसमें बैकअप बढ़ा कोई भी ज़्यादा बैकअप करने के लिए इसमें आप एक ही लगाएंगे, पर क्योंकि इसमें दो नहीं आ सकती, एक इसमें लगा दीजिए। 1200 और 2000 में बहुत अंतर होता है। तो देख लीजिए ये वो स्पीकर हमारा वर्क में है। अब तो हम इसको लगा देंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देख लीजिए हमने ये अभी तक वैसे कुछ हद तक ठीक कर दिया है, और भी हम थोड़ी मोड़ी इसमें गुंजाइश रहती है तो इसको कर लेंगे ठीक। देख लीजिए आपने ये खोल तो लिया था, इसको बेड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इसको बहुत दिक्कत बनती है बेड़ने में आपको। मैं इसलिए वीडियो लंबी जा रही है मेरी, जिससे कि मैं आपको इसको पूरी हर तरीके से समझाऊं। क्योंकि देखिए ये बड़ी वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत से खोल तो लेते हैं, ये भिड़ते नहीं है, भिड़ना आपको ऐसी है। देखिए ये सिर्फ वैसी है, दिखावटी इसमें कुछ नहीं है। तो हम इसको पहले ऐसे ही कवर को रखेंगे, इसमें आठों के आठों पेज बिल्कुल अच्छे से कस के टाइट लगाएंगे, बिल्कुल अच्छे से लगा देने हैं पेज। इसमें कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए आपके पेच वेच वगैरह अंदर, कोई बज ना रहा हो, क्योंकि अगर वो इस पर चिपक गया स्पीकर पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसको कवर को ऐसे ही लगाएंगे और इसमें आठों के आठों पेज बहुत अच्छे से कस देंगे। सबसे मेन चीज़ इसकी आप खोल तो लेंगे, आप पे भिड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो को लंबी कर रहा हूँ, वरना यहीं पर मैं आपको चला के समाप्त कर देता वीडियो को। तो मैं इसके यहाँ पे कवर अच्छे से लगा दूंगा। दोस्तों मुझे एक बात कमेंट में बता के ज़रूर जाना आप, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि मेरी YouTube से कोई अर्निंग नहीं होती, मतलब मुझे कोई YouTube पैसा वगैरह तो नहीं देता। अभी दे रहा है तो काट लेता है मुझे, मेरे पास मतलब अभी तक मेरे पास एक रुपया भी नहीं आया। मेरा करीब करीब एक साल होने वाला है चैनल को, मैं चैनल को छोड़ दूं या मेहनत करता रहूं आपके काम के लिए तो मुझे ज़रूर बता के जाना, मेहनत करता रहूं या यूट्यूब चैनल छोड़ दूं, बताओ, बता देना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। क्योंकि मेरे पास सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ठीक करीब करीब ठीक होने आती है, और मैं करता भी हूँ, मेरे पास काफ़ी मैं आप बड़ी शॉप है, मैं उस पर ही काम ये करता हूँ। देखिए इसके लॉक अंदर के टूट चुके थे, तो कोई बात नहीं, थोड़े लंबे पेच लगा देंगे पर इसको लगा देंगे, कोई बात नहीं, हल्की सी फेविक्विक भी गिर देंगे, गिरना चाहेंगे तो, क्योंकि इसमें लॉक टूट चुके हैं, जिधर उधर हल्का सा गैप बना रहेगा या वो कपड़ा भी टाइट कर सकता है, या आप हल्की सी फेविक्विक गिर सकते हैं जिधर गैप बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देख लीजिए हम कपड़ा कैसे लगाएं, जिधर कटिंग है उधर कटिंग रख के और इसको कपड़े को नीचे सरकाते जाएंगे, इस पर कैप बिल्कुल सही तरीके से सेट बैठ जाएगी। तो मैं पहले इसको सीधा कर लेता हूँ, इस पर लोगो भी लगाया है OED का, मतलब जिस कंपनी ने बनाया है, कंपनी तो नहीं बस चाइना से ही आते हैं, ये कंपनी का तो कोई नाम ही है। तो जिधर ये कटिंग है उधर रखना है, वरना ये कोई दिक्कत नहीं घूम भी जाएगा। ऐसे इसमें पुराना है, फटना नहीं चाहिए, इस तरह से पुराना है, वैसे थोड़ा स्ट्रेचेबल है, और चारों तरफ से आपको इस तरह से नीचे पुशअप कर देना है इसको, ठीक है। देखिए ये हो गया इतना, फिर इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देना बिल्कुल सेट करके, जिसमें कपड़ा लगा है हल्का हल्का अंदर की तरफ मोड़ देना है, पहले साइड में से निकाल लेना है जो भी बचा है, हल्का सा पुशअप करना है इसको नीचे, और इसको कपड़े को साइड में अंदर बोना है हल्का सा। आप लगा सकते हैं तो थोड़ा सा बॉन्ड भी लगा सकते हैं या फेविक्विक, वरना कोई नहीं, ये ऐसे ही सेट बैठ जाएगा। जब इस पर पीछे का बैक कवर लगाएंगे हम, इसमें पेच कर देंगे, बिल्कुल टाइट हो जाएगा कपड़ा, क्योंकि ये लगाया इसलिए गया है, वरना इसे खाली छोड़ सकते थे। वैसे अब इसमें इसको पेच को हम कस देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों पेच
ये वाले हमें टाइट कसने हैं, ढीले नहीं छोड़ने, क्योंकि वरना इसका कपड़ा उतर के भाग जाएगा या फिर ढीला हो जाएगा। इसलिए पहले कैप को ऊपर से हाथ से टाइट पकड़ के रखना है और जब पेच कसना है। तो ऐसे ही इधर के भी कपड़े को नीचे से खींच के ऊपर की तरफ ले आना है। देखिए टाइट हो चुका है वैसे कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जौन सी जिग जहाँ से हटाई थी वहीं लगा देंगे। नीचे दोनों स्पीकर की हैं और ऊपर बैटरी की है, इसमें कोई उल्टी सीधी का नहीं है। बट ये नहीं करना आपको स्पीकर की बैटरी में लगा दो, बैटरी के स्पीकर में लगा दो, ऐसा नहीं है। पर वायर की कटिंग भी इस तरह से बनी हुई है, आपको बिल्कुल सेटमेंट लगा देना है अच्छे से और बिल्कुल इसको ऐसे ही डी टू जैसे मैंने खोला था ऐसे हम इसको लगाएंगे कपड़े को अंदर की तरफ करके, क्योंकि बाहर शाइनिंग ऐसा ही होना चाहिए। किसी कस्टमर को ये भी नहीं लगना चाहिए कि ये खोला था या नहीं, क्योंकि आप मिस्त्री तभी हो जब आप बिल्कुल उसको बनावट उसकी ऐसे ही कर दो जब जैसा वो था, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, बस वो ठीक हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम छोड़ते हैं तो वो तो बोलते हैं कि अनट्रेंड होगा, उससे आपकी बेइज्जती है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसे ही यहाँ पे सारे पेच कस देंगे अच्छे से। वैसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, क्योंकि वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं आपके लिए कि कमेंट में बोलो, पर वैसे बोल देना कुछ प्रॉब्लम हो तो। या ऐसे ही आईपॉड वगैरह में कुछ में किसी में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा हो उसका या कुछ सामान नहीं मिल रहा हो तो मुझे बता देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट करके मैं आपकी ज़रूर रिप्लाई दूँगा। मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी तैयार करने वाला हूँ जिसमें हमारे सभी मौजूदा रहेंगे, जो जो जिसको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बनाने वाला हूँ जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए अभी क्लियर वैसे हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने टेप इसके चिपका दिए, एक टेप तरह की है। वैसे तो इसका लोगो इसकी सब चीज़ है यहाँ पे, मतलब इस पर लिखा हुआ है मैन इनपुट इनपुट वगैरह जो इसमें दिए वगैरह, मतलब माइनस वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम मोड। तो देखिए मैं इसके यहाँ पे जो पेज निकाल रहे हैं पेज इसके कस दूंगा और इसको फिर चेक करता हूँ ये काम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रॉपर। वो तो जब आप ठीक कर लोगे आपको खुद ही चमक, क्योंकि अब आवाज़ आपको अलग ही आने लगेगी इसकी, क्योंकि आवाज़ इसमें बहुत अच्छी आने लगेगी। क्योंकि इसके स्पीकर जब बिल्कुल ओके होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया है कि इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, वो भी इसलिए थी क्योंकि ये कस्टमर का गिर गया था, उसने एक बार फिर फेंक के मार दिया। देखिए मैं चल चेक करता हूँ, देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई हो, अब तो नहीं है। इसको एक बार फ़ोन से चेक भी करता हूँ इसका ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह करके, तो मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ, मेरा लैपटॉप इसके पास नहीं है, काफ़ी दूर है, या किसी फ़ोन से करता हूँ। देखता हूँ शायद ये अब चल जाएगा, तो चल रहा है चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।